मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से लौटने के कुछ ही देर बाद यहां की खंडासा पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी शहबान को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने रात लगभग 9 बजे वाहन पार्किंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को सतनापुर नहर से विनायकपुर मोड़ पर जाते समय रोका। रोके जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम की ओर से जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पूछताछ करने पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम शहबान पुत्र मोहम्मद वारिस बताया। फरार होने वाले व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र यार मोहम्मद बताया गया। 9 बजे थाना खंडासा पुलिस द्वारा अपराध की दृष्टि से सतनापुर नहर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी उन्हें मोटरसाइकिल से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तथा गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पैर में लग गई वह गाड़ी के साथ वहीं गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूछताछ में घायल व्यक्ति ने अपना नाम शहबान पुत्र मोहम्मद वारिस निवासी ग्राम रायपट्टी थाना खंडासा बताया तथा फरार व्यक्ति का नाम मोनू पुत्र यार मोहम्मद बताया। पूछताछ में पता चला कि पुलिस की गोली से घायल व्यक्ति किशोरी से दुष्कर्म करने का वांछित मुख्य आरोपी है। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने शहबान के विरुद्ध पुलिस पार्टी पर हमला एवं अयोध्या अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।